बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ही यूनिक और जबरदस्त केक बनाना सिखाएंगे। कोई बर्थडे पार्टी हो या घर में कोई मेहमान आए हुए हो, यही वाला केक बना के आप सर्व की सबको बहुत पसंद आने वाला है और देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल लगता है। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम केक का बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए हैं और इसके साथ ही पिसी हुई चीनी जाएगी 1 कप। सिंपल आप चीनी लेके उसको ब्लेंडिंग जार में डाल के उसका पाउडर बना लीजिए और इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना। इतना बीट करना है कि इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह से क्रीमी टेक्सचर हो जाना चाहिए। ये देखें, टेक्सचर हमारा 1 कप बिल्कुल क्रीमी हो चुका है और इसमें 1/2 कप हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप बटर भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 2 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान के ही यूज करना है। बेकिंग में जब भी आप यूज करें तो मैदे को छान के ही यूज करें। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और इसमें 1 कप ऐड करेंगे दूध का। सारे मिक्सचर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेजुअली हम इसमें दूध ऐड करेंगे। एकदम से आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना और इसको मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा और ऐड करेंगे और इसको अगेन हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, पूरा 1 कप इसमें दूध जा चुका है, अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखें, इस तरह से कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसके 1 पार्ट में हम 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर लेंगे और इसको वो कोको पाउडर को भी आपने छान के ही इसमें ऐड करना है। ये देखें, कोको पाउडर वाला जो मिक्सचर था वो भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बाकी के थे इसमें जो 1 वाला था हम इसको इसी तरह से रख देंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी। 3-in-1 वाली जो कॉफ़ी होती है ना, इंस्टेंट कॉफ़ी, वो वाली मैंने इसमें ऐड की है 2 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स कर लिए, ये बैटर भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब केक बेक करने के लिए हम पैन ले लेंगे और इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको ग्रीस कर लिया था और इसको सबसे पहले हमारा जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर था वो ऐड कर देंगे। ओवन की और विदाउट ओवन की टाइमिंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। हम विदाउट ओवन बेक करें, कढ़ाई को मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था। अब हम इसको 10 मिनट के लिए बेक करेंगे ताकि इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो थोड़ी सी सेट हो जाए। देखें, 10 मिनट हो चुके हैं। अभी देखें, ऊपर वाली सरफेस इसको बिल्कुल सेट हो चुकी है, आप इसको चेक कर लीजिए। और इसका जो दूसरा वाला मिक्सचर था, वाइट वाला जो हमने रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से स्पून की मदद से सेट कर लेंगे। इसको भी हम बेक करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम अब इसको चेक कर लेंगे, हाथ से आप इसको चेक कर लेंगे। ऊपर की सरफेस जो उसकी गीली नहीं होनी चाहिए ताकि जब हम दूसरा वाला इसमें ऐड करें वो इसमें मिक्स नहीं हो। अभी देखें, वो भी बिल्कुल ऊपर की इसकी सरफेस सेट हो चुकी है और ये लास्ट में हम ऐड करेंगे कॉफ़ी का मिक्सचर। अब हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए। देखें, 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें जी, इस पर कोई बैटर लगा हुआ नहीं है, मीन्स केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए, केक को ठंडा होने के बाद हमने डीमोल्ड कर लिया था। अब हम इसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप डाल देंगे। चॉकलेट आप मेल्ट करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं और इसको स्पून से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। चॉकलेट सिरप अगर आपको नहीं बनाना आता तो एक मैं केक बनाना सिखा चुकी हूँ, उसमें मैं ये बनाना आपको सिखा चुकी हूँ, आप उसमें चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, सारा अच्छे से हमने सेट कर लिया। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, उसकी लेयर्स देखें। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसकी लेयर्स देखें, कि प्रेजेंटेबल लग रहा है केक। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप आप इस पर डाल लीजिए, सर्विंग के टाइम ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा तैयार हुआ है, वाह ज़बरदस्त। आप इसको ट्राई कीजिए, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।